नारी सशक्तिकरण पर आयोजित प्रतियोगिता संपन्न सुल्तानपुर जिले के मर्यादी इंटर कॉलेज बरौसा में मंगलवार को मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, गुड टच बैड टच, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, हमारे संवैधानिक अधिकार आदि के बारे में जानकारी दी गई। यहां क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं के बीच पुलिस हमारी मित्र कैसे विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें करीब 15 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। राजकीय हाई स्कूल पीढ़ी के प्रधानाचार्य व कार्यक्रम के नोडल अधिकारी लालमणि दुबे के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को 4 मिनट के अंदर अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। प्रतियोगिता में अनारकली युग निर्माण विद्या मंदिर दियरा की छात्रा साक्षी दुबे 26 अंक प्राप्त पहले स्थान पर रही, जबकि श्रीचंद्र इंटर कॉलेज गोसाईगंज की छात्रा साक्षी यादव व इसी विद्यालय की कोमल गुप्ता क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहीं। विजयी प्रतिभागियों का चुनाव 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा किया गया। सीओ ने विजयी प्रतिभागियों को डायरी व पेन देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर दलवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में नवरात्रि के पहले दिन से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्राओं एवं महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के रूप में प्रस्तुत करना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को विजयी प्रतिभागी जिले स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम का संचालन व्यायाम शिक्षक राजेश शुक्ल ने किया। इस मौके पर कोतवाल बेचू सिंह यादव, शिक्षकगण विकास नारायण पांडे, रामपति शुक्ल, सत्येंद्र गुप्ता समेत विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक मौजूद रहे। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देशन में एक मिशन शक्ति नाम के अभियान को चलाया जा रहा है, जो नवरात्रि के प्रथम दिन से प्रारंभ है। इसमें हमारी छात्राओं को, महिलाओं को, इनको नारी सशक्तिकरण के रूप में भी प्रस्तुत करना है। इसी क्रम में आज पुलिस हमारी मित्र कैसे है इस विषय पर 4 मिनट के व्याख्यान का, भाषण का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे समस्त तहसील जयसिंहपुर के विद्यालयों का चयन किया गया था और तहसील जयसिंहपुर के नोडल प्रभारी पीढ़ी प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे तहसील के समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। 4 मिनट की प्रतियोगिता हुई। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जजेज ने नंबर दिए। नंबर के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय छात्रों छात्राओं का चयन किया गया और इनको आगे कल हमारे जनपद स्तर पर ये प्रतियोगिता होगी। इसी प्रकार से लगातार प्रतिदिन कोई न कोई कार्रवाई की जा रही है, जो नारी सशक्तिकरण का एक अभियान भी है और मिशन शक्ति का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके अनुरूप कार्रवाई निरंतर जारी है।